Don't forget to like, share, comment and subscribe. Why or you? You. You का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी या आप. For example, अगर आपको कहना है तुम्हारी उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे How old are you? तुम्हारी उम्र क्या है? How old are you? CLOSE, close. Close का मतलब है बंद. For example, सड़क बंद क्यों है? Why is the road closed? Why is the road closed? NOW, now. Now का मतलब है अब. For example, अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? Problem. Problem का मतलब है परेशानी. For example, क्या कोई परेशानी? Is there any problem? क्या कोई परेशानी? Is there any problem? KNOW, no. No का मतलब है जानना. मैं नहीं जानता. I don't know. I don't know. सड़क बंद क्यों है? Why is the road closed? अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? क्या कोई परेशानी? Is there any problem? मैं नहीं जानता. I don't know. COLD, cold. Cold का मतलब है ठंड या ठंडा. For example, आज ठंड नहीं है. It is not cold today. आज ठंड नहीं है. It is not cold today. When. When का मतलब है कब. तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming to us? When are you coming to us? Where. Where का मतलब है कहाँ. आप कहाँ काम करते हैं? Where do you work? Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? Where do you work? आज ठंड नहीं है. It is not cold today. तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming to us? आप कहाँ काम करते हैं? Where do you work? यह घर उसका है. This house is her. यह घर उसका है. This house is her. Knock. Knock का मतलब है खटखटाना. दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Trust. Trust का मतलब है भरोसा. तुम उन पर भरोसा कर सकते हो. You can trust them. तुम उन पर भरोसा कर सकते हो. You can trust them. Thankful. Thankful का मतलब है एहसानमंद. मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ. I am very thankful to you. मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ. I am very thankful to you. यह उसका घर है. This house is her. दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? तुम उन पर भरोसा कर सकते हो. You can trust them. मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ. I am very thankful to you. WISE, wise. Wise का मतलब है समझदार या बुद्धिमान. For example, वह मुझसे ज़्यादा समझदार है. He is wiser than me. He is wiser than me. Our. Our का मतलब है हमारा या हमारी. यह कार हमारी है. This car is ours. This car is ours. WATCH, watch. Watch का मतलब है घड़ी. यह घड़ी मेरी है. This watch is mine. Yours. Yours का मतलब है आपका या तुम्हारा. यह घर आपका है. This house is yours. वह मुझसे ज़्यादा समझदार है. He is wiser than me. यह कार हमारी है. This car is ours. यह घड़ी मेरी है. This watch is mine. यह घर आपका है. This house is yours. BOOK, book. बुक का मतलब है किताब. किताब डेस्क पर है. The book is on the desk. मेज. मेज का मतलब है टेबल.
लैपटॉप टेबल पर है। द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। लैपटॉप टेबल पर है। द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। होम, होम का मतलब है घर। वह तुम्हें घर पर मिलेगा। ही विल सी यू एट होम। ही विल सी यू एट होम। बॉटल, बॉटल का मतलब है बोतल। मैंने पानी से बोतल भरी। आई फिल्ड द बोतल विद वॉटर। मैंने पानी से बोतल भरी। आई फिल्ड द बोतल विद वॉटर। किताब डेस्क पर है। द बुक इज ऑन द डेस्क। लैपटॉप टेबल पर है। द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। वह तुम्हें घर पर मिलेगा। ही विल सी यू एट होम। मैंने पानी से बोतल भरी। आई फिल्ड द बोतल विद वॉटर। बी ई एस आई डी ई, बिसाइड। बिसाइड का मतलब है इसके अलावा। क्रिकेट के अलावा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न का मतलब है उलझन। हम उलझन में हैं। वी आर इन कन्फ्यूज़न। हम उलझन में हैं। वी आर इन कन्फ्यूज़न। जेब, अगर इसे आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे पॉकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसे तुम्हारी जेब में हैं। द मनी इज़ इन योर पॉकेट। द मनी इज़ इन योर पॉकेट। दिस, दिस का मतलब है यह। यह काम करो। डू दिस वर्क। डू दिस वर्क। क्रिकेट के अलावा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट। हम उलझन में हैं। वी आर इन कन्फ्यूज़न। पैसे तुम्हारी जेब में हैं। द मनी इज़ इन योर पॉकेट। यह काम करो। डू दिस वर्क। एस आई टी, सिट। सिट का मतलब है बैठना। उसे बैठने को कहो। आस्क हिम टू सिट डाउन। और लड़की के लिए यूज़ करेंगे आस्क हर टू सिट डाउन। उसे बैठने को कहो। आस्क हिम टू सिट डाउन। या कहेंगे आस्क हर टू सिट डाउन। पनिश, पनिश का मतलब है सज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे सज़ा दो। पनिश हिम। पनिश हिम। उसे सज़ा दो। पनिश हिम। सीन, सीन का मतलब है नज़ारा। नज़ारा बहुत सुंदर था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। नज़ारा बहुत सुंदर था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। एन आई जी एच टी, नाइट। नाइट का मतलब है रात। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात को कितनी ठंड है। वट अ कोल्ड नाइट इट इज़। वट अ कोल्ड नाइट इट इज़। रात को कितनी ठंड है। वट अ कोल्ड नाइट इट इज़। रिपीट, उसे बैठने को कहो। आस्क हिम टू सिट डाउन। उसे सज़ा दो। पनिश हिम। नज़ारा बहुत सुंदर था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। रात को कितनी ठंड है। वट अ कोल्ड नाइट इट इज़। एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। मैं ईमानदार हूँ। आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट। मैं ईमानदार हूँ। आई एम ऑनेस्ट। सी ओ एन एफ ई सी टी आई ओ एन ई आर, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर का मतलब है हलवाई। आई एम अ कन्फेक्शनर। मैं एक हलवाई हूँ। आई एम अ कन्फेक्शनर। ब्रेव, ब्रेव का मतलब है बहादुर। तुम बहादुर हो। यू आर ब्रेव। यू आर ब्रेव। तुम बहादुर हो। यू आर ब्रेव। बिजी, बिजी का मतलब है व्यस्त, मशगूल या मसरूफ। तुम व्यस्त हो। यू आर बिजी। यू आर बिजी। तुम व्यस्त हो। यू आर बिजी। आई एम अ कन्फेक्शनर। मैं एक हलवाई हूँ। तुम बहादुर हो। यू आर ब्रेव। तुम व्यस्त हो। यू आर बिजी। पी ओ सी के ई टी, पॉकेट। पॉकेट का मतलब है जेब। फॉर एग्जाम्पल, पैसे आपकी जेब में हैं। मनी इज इन योर पॉकेट।
मनी इज इन योर पॉकेट, पैसे आपकी जेब में है। मनी इज इन योर पॉकेट। वर्क, वर्क का मतलब है काम। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, आई वर्क। रीड, रीड का मतलब है पढ़ना। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब है परिंदे। परिंदे चहचहाते हैं, बर्ड्स चर्प। बर्ड्स चर्प, परिंदे चहचहाते हैं, बर्ड्स चर्प। पैसे आपकी जेब में हैं, मनी इज इन योर पॉकेट। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। परिंदे चहचहाते हैं, बर्ड्स चर्प। SHINE, शाइन। शाइन का मतलब है चमकना। तारे रात को चमकते हैं, द स्टार्स शाइन एट नाइट। द स्टार्स शाइन एट नाइट। EVERYDAY, एवरीडे। एवरीडे का मतलब है रोजाना। हम रोजाना खेलते हैं, वी प्ले एवरीडे। वी प्ले एवरीडे, हम रोजाना खेलते हैं, वी प्ले एवरीडे। ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। तुम हमेशा सच बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम हमेशा सच बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। EVERYTHING, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है हर काम। ही डज एवरीथिंग इन टाइम, वह हर काम वक्त पर करता है। वह हर काम वक्त पर करता है। ही डज एवरीथिंग इन टाइम। तारे रात को चमकते हैं, द स्टार्स शाइन एट नाइट। तुम हमेशा सच बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हम रोजाना खेलते हैं, वी प्ले एवरी डे। ही डज एवरीथिंग इन टाइम, वह हर काम वक्त पर करता है। GO, गो का मतलब है जाना। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। EARLY, अर्ली। अर्ली का मतलब है जल्दी। तुम सुबह जल्दी उठते हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम सुबह जल्दी उठते हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। WORK, वर्क। वर्क का मतलब है काम। वह काम करता है, ही डज वर्क। ही डज वर्क, वह काम करता है, ही डज वर्क। रिपीट। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। तुम सुबह जल्दी उठते हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। वह काम करता है, ही डज वर्क। DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है पीना। फॉर एग्जाम्पल, तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी। यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी। TALK, टॉक। टॉक का मतलब है बात या बातचीत। वह बातें करती है, शी टॉक्स। शी टॉक्स, वह बातें करती है, शी टॉक्स। आदर करना, एहतराम करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। मैं उनका आदर करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, या फिर आई रिस्पेक्ट हर। मैं उनका एहतराम करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हर। WRITE, राइट। राइट का मतलब है लिखना। तुम एक कहानी लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ स्टोरी। You are writing a story. तुम एक कहानी लिख रहे हो, You are writing a story. Repeat. तुम चाय पीते हो, You drink tea. वह बातें करती है, She talks. मैं उनका एहतराम करता हूँ, I respect him. तुम एक कहानी लिख रहे हो, You are writing a story.